मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रविवार को 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 6,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनकी थर्मल स्कैनिंग किया गया और नाम पता नोट किया गया। उसके बाद उनको लंच पैकेट, फल, बिस्किट, पानी की बोतलें देने के बाद श्रमिकों को उनके जिले की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। श्रमिकों को विभिन्न जिलों में भेजने के लिए 176 बसों को लगाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, दूरी में रहिएगा, गोले में खड़े होइएगा, अपने अपने गोले में चलिए, सामने मास्क सभी लोग लगा के रहेंगे, मिर्जापुर भाई 14-15 ऐसा 3 नंबर 6 नंबर इब्राहिम मकान 7 नंबर 8-9-12 कुशिया 14-15 में बैठे, महाराजगंज फलेदा 16-17 में बैठे, सर कबीर जी सिद्धार्थ नगर 23 में बैठे, बलिया के लिए बनारस मिर्जापुर भदोही 36 में बैठे, इटावा फिरोजाबाद आगरा मथुरा गोंडा बलरामपुर बलिया मिर्जापुर 36 में जाए, 36 नंबर लगी है, जाइए 36 से मिर्जापुर 36 में जाइए, हर चीज एक, हाँ ठीक है, 51-52 आजमगढ़ के लिए लगी है, 51-52 आजमगढ़ चले जाए।
बैठ जाओ एक बार। कितने लोग लाइन लगवाओ, सबको बुलाओ यार। आज पांच ट्रेनें शेड्यूल थी, जिसमें से एक ट्रेन डमी ट्रेन है, चार ट्रेनें आ चुकी हैं। जो ट्रेनें विलंब से आ रही थी वो देर रात तक पहुंचने की संभावना। सारी सुविधा रहेगी, वाटर फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी सोशल डिस्टेंस के हिसाब से। उनका रिकॉर्डिंग करते हुए, नाम पता उनका सब, मोबाइल नंबर लेते हुए उनको सोशल डिस्टेंस करते हुए बसों में बैठाकर उनके गृह जनपद तक पहुंचाया जा रहा है। इस समय 176 बसें हैं हमारे पास और बसों की कोई कमी नहीं।